Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. Umeed karti hoon aap sab badhiya hai, khush hai, swasth hai, things are fine at your place. And with this, we'll start with our today's lecture. These are the articles that we have to cover today. Bahut hi important session rehne wala hai. And we'll take every article in detail in a very comprehensive manner, keeping in mind your prelims, your mains as well. तो एक एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं. पहला मैं आपको पहले बता देती हूँ कि क्या कुछ है जो हमें कवर करना है. मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन सी रिवर इससे एसोसिएटेड है, मैप में देखेंगे यहाँ का वेजिटेशन, यहाँ फ्लोरा, यहाँ फना, एवरीथिंग विल टेक इट अप आपके प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इट इज इन न्यूज. तो पता ही है नेशनल पार्क कैसे कवर करते हैं. जिन्हें नहीं पता, जो नया बच्चा है, जो नए देख रहे हैं बेसिकली इस सेशन को, तो जब ये नेशनल पार्क हम कवर करेंगे, आई लेट यू नो, टेंशन मत लो. एक न्यू फिश की बात करेंगे, न्यू स्पीशीज ऑफ वाइब्रेंट ऑरेंज कलर्ड डीप वाटर मैराइन फिश, स्पीशीज इन न्यूज, यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसके बारे में जो भी कुछ है, एवरीथिंग, पिक्चर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, उनकी तस्वीर देख लेना फिश की, ताकि माइंड में सेव हो जाए. और कितनी स्पीशीज हम कवर कर रहे हैं एक साल में, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो जितना पिक्चर्स के थ्रू याद करने की कोशिश करोगे, उतना एंड में रिकॉल कर पाओगे. ठीक है, एलिफेंट कॉरिडोर्स की बात करेंगे, न्यूज़ में है आपके जीएस पेपर 3 से. मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी ने ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2020 में, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट एलिफेंट्स पे एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था इंडियन एलिफेंट्स को लेके, हाँ 2020 में ही था. कुछ 3-4 स्टेटमेंट्स दी हुई थी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन कहाँ पर है, और जो एलिफेंट, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज कॉल्ड, इज अ फीमेल और अ मेल. तो मतलब यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं, और एलिमिनेशन मेथड से आप डायरेक्टली आंसर्स पे आ सकते थे. अगर आपको इतना भी पता हो कि हाईएस्ट एलिफेंट की पॉपुलेशन कर्नाटका के अंदर है, केरला के अंदर नहीं है, तो अगर आप एक स्टेटमेंट को भी एलिमिनेट करो तो डायरेक्टली आंसर पे आया जा सकता है. तो इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ से प्रीलिम्स में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था. तो दैट इज वाई आई एम सेइंग प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे आज, जीएस पेपर 3 मेंस का एक आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. विल टेक दैट अप, न्यूज में आया था, काफी चीजें इसके बारे में है, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है, क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट. सो दिस वाज एन एडिटोरियल जो हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ था. एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, इसका मीनिंग, इसका सिग्निफिकेंस, इसके बेनिफिट, इसके चैलेंजेस, इसमें जो सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसका वे फॉरवर्ड, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट, ताकि आप एक मेंस का अच्छा आंसर लिख सके कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज इंडिया पे कैसा इम्पैक्ट डालती हैं, राइट. सो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी सवाल पूछ सकती है यहाँ से कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज होती क्या है ना. आप क्रिएटिव इकोनॉमी किस, कैसी इकोनॉमी है, इसको और किस टर्म से बुलाया जा सकता है, तो ये सारी बातें प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन वाराणसी, तो ये आपके चर्चा का विषय है जो आपको पता होना चाहिए. तो इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं. दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल, और चर्चा का विषय है, हर किसी को पता होना चाहिए, मतलब एक कॉमन मैन जो यूपीएससी की तैयारी भी नहीं कर रहा है, ये एक ऐसा टॉपिक है, तीन दुनिया में चल रहा है, देश में क्रिकेट स्टेडियम, नया फाउंडेशन स्टोन रखी गई है, ना पता हो ऐसा होना नहीं चाहिए. तो कहाँ है, कैसा दिखता है, क्या कितने का प्रोजेक्ट होगा, ये सारी बातें थोड़ी सी जानेंगे. अच्छा, सेशंस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना. कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक भी दे सकते हो. आई यूज टू सी द फीडबैक ऑफ फ्यू ऑफ द एस्पिरेंट्स इन द कमेंट सेक्शन कि उनको सेशंस कैसा लग रहा है. सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं. इट फील्स ग्रेट कि आप इतने अच्छे कमेंट्स दे रहे हो, दिल से दे रहे हो. एंड बाकी सबके लिए भी जो सेशंस देखते हैं, लाइक नहीं करते या शेयर नहीं करते या कमेंट में फीडबैक नहीं देते, तो गाइस मैटर करता है, हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी हमें भी मिलती है. तो इसीलिए डू शेयर योर फीडबैक, राइट.
यहाँ पर वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात है। ये आप तस्वीर देख रहे हो, बहुत ही सुंदर सी लग रही होगी, है ना। इधर एक डमरू लग रहा होगा और ये एक क्रिसेंट शेप्ड, राइट, ये त्रिशूल की तरह लग रहा होगा। तो ये लग क्या रहा है, एक्चुअल में ये वैसा ही, मतलब यू आर सीइंग इट राइट। तो ये बेसिकली दिस क्रिकेट स्टेडियम, ये लॉर्ड शिवा को रिजेंबल करते हुए, वो एलिमेंट्स को देखते हुए ये वैसा बनाया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। 23 सितंबर वो दिन है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसकी फाउंडेशन रखी एंड द स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम वाराणसी के अंदर, उत्तर प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर वहीं से, अगर आपको पता उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी। सो इस इवेंट के टाइम पे बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर, आप तस्वीर में भी देख सकते हो, सचिन तेंदुलकर वॉज अ स्पेशल गेस्ट। प्राइम मिनिस्टर गेव हिम अ स्पेशल क्रिकेट जर्सी एज अ गिफ्ट एंड बाकी और भी क्रिकेट पर्सनालिटीज थी, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और बोर्ड ऑफ बीसीसीआई के जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग, जय शाह एंड राजीव शुक्ला जी, देवर ऑल द पार्ट हेयर टेकिंग पार्ट इन दिस इवेंट, दे टुक पार्ट। बट यहाँ पर थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं इस नए वाराणसी स्टेडियम की। बात ऐसी है कि दिस न्यू वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम इन इंडिया इज गोइंग टू बी रियली, मतलब ऑब्वियसली अ फैंसी स्पोर्ट्स प्लेस। बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड खुला था 2020 में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सबको पता होगा कहाँ है, कमेंट सेक्शन में बताना। ये जो वाराणसी स्टेडियम है, इट विल बी, जहां मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, तो वाराणसी के अंदर होगा। और इस स्टेडियम को बनाने के लिए सरकार इज गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, अबाउट 450 करोड़, विच इज लाइक 4 मिलियन GBP, राइट, अप्रोक्सीमेटली ब्रिटिश पाउंड्स। सो बीसीसीआई, विच इज इन चार्ज ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, विल कॉन्ट्रीब्यूट 330 करोड़, राइट, फ्रॉम इट्स ओन फंड्स। एडिशनली गवर्नमेंट ऑफ स्टेट वेयर द स्टेडियम इज बींग बिल्ड हैज स्पेंड 120 करोड़, राइट, जस्ट टू गेट द लैंड दैट इज नीडेड फॉर द स्टेडियम। सो इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट दिस अमेजिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटी, राइट। सो एज फार एज दिस इंटरनेशनल स्टेडियम इज कंसर्न, इट इज स्पैनिंग 30 acres, जिसमें कैपेसिटी होगी 30,000 लोगों की, दे कैन सिट एट वन टाइम ड्यूरिंग अ मैच, राइट, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाई 2025। ये यूपी के अंदर तीसरा स्टेडियम है, कानपुर का है ग्रीन पार्क स्टेडियम एंड भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकनाथ क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के अंदर। तो मतलब एक कानपुर में है, एक लखनऊ में है, अब तीसरा वाराणसी के अंदर आने वाला है। तो मैंने आपको बताया ही था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डिजाइन है वो बेस्ड है ऑन हिंदू डिवाइन फिगर लॉर्ड शिवा। तो यहां पर अगर आप लाइट्स भी देखोगे तो वो ऐसे त्रिशूल शेप है ना, ट्रिडेंट शेप, और जो रूफ आप देखोगे वो क्रिसेंट शेप है, चांद की शेप दे रखी है। घाट स्टेप्स बेस्ड सीटिंग, तो सीटिंग भी अगर आप देखोगे तो वाराणसी में घाट्स है, सो घाट स्टेप बेस्ड सीटिंग है एंड बहुत ही सुंदर एग्जैक्टली उसको रिप्रेजेंट करता हुआ ये है। तो ये अगर आप देखो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसे क्रिसेंट शेप और ये त्रिशूल शेप, वहां पर लाइट्स हैं। तो इधर अगर आप देखो तो ये एक लॉर्ड शिवा का डमरू, तो उससे भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो बहुत ही जो इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यू कैन सी है, मतलब जो लीफ आपको पता ही होगा जो चढ़ाई जाती है शिवा को, तो उस पे उसको भी डिपिक करते हुए यहाँ पर चीजों को बनाया गया है। सो बहुत ही सुंदर है एग्जैक्टली द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एलिमेंट्स आर बीइंग यूज, दे आर बीइंग इंस्पायर्ड बाय द रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड शिवा। सो दिस वॉज वेरी मच इन न्यूज और ऑब्वियसली चर्चा बनती ही थी इस पे करनी, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है एंड बेस्ड ऑन हिंदू डिवाइन फिगर लॉर्ड शिवा द इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन इज बेस्ड, राइट। सो मूविंग अहेड विद द अदर आर्टिकल, ये था आपका चर्चा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय। नाउ मूविंग अहेड विद दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, जिसमें हम आज बात करेंगे जीएस पेपर 3 से लिंक्ड आपका क्रिएटिव इकोनॉमी के, आर्ट्स, म्यूजिक, फिल्म्स, लिटरेचर, फेस्टिवल, थिएटर, क्राफ्ट, स्टोरी,
ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का फॉर्म नहीं है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारी आइडेंटिटी को, राइट? और यहां से ऑब्वियसली दे ड्राइव एम्प्लॉयमेंट, राइट? यहां पर प्राइम मिनिस्टर इन हिज ओपनिंग एड्रेस टू G20 कल्चरल मिनिस्टर समिट जो हुई थी वाराणसी के अंदर ही, स्पोक ऑफ द वैल्यू आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट वर्कर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ दिस क्रिएटिव इंडस्ट्री, राइट? सो क्रिएटिव इंडस्ट्री क्या है, जिसको जिसके बारे में ज्यादा हम लोग बात नहीं करते हैं? आज बहुत अच्छा आर्टिकल है, सो विल टॉक अबाउट इट. इसको ऑरेंज इकोनॉमी भी बोलते हैं, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर. सो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज आर ऑफन रेफर्ड टू एज ऑरेंज इकोनॉमी, मतलब दे आर लाइक ग्रुप ऑफ स्पेशल बिजनेसेस, वो बिजनेसेस जो रिलाई करते हैं उन क्रिएटिव आइडियाज, ओरिजिनल आइडियाज ही होते हैं, राइट? जब आप अपने इमेजिनेशन से, अपनी स्किल से कुछ यूनिक क्रिएट करते हो, जैसे आप लगाओ इंडियाज बेस्ट डांसर, इंडिया गॉट टैलेंट, तो वो क्या है, आपके यहाँ जो टैलेंट है आप उसको शो कर रहे हो, कुछ यूनिक, कुछ नया, है ना? यू आर मेकिंग कूल डिजाइंस, आप एक अच्छी स्टोरी लिख रहे हो, आप राइटर हो, आप एक ब्यूटीफुल आर्ट क्रिएट कर रहे हो, आप आर्टिस्ट, मतलब कोई भी हो सकता है, दोज हु इज कंपोजिंग म्यूजिक, अगर आप म्यूजिक भी आज कंपोज करते हो तो वो भी कुछ नया है, राइट? अब ये मत कहना कि पहले वाले म्यूजिक को ही हम चेंज कर देते हैं, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ. मूवीज बनाना, बिल्डिंग्स को डिजाइन करना, इवन क्रिएटिंग कंप्यूटर गेम्स ऑल्सो, ये क्या है, ये सारा का सारा, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव इंडस्ट्री. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग थिंग्स, इट्स अबाउट मेकिंग थिंग्स इन अ रियली क्रिएटिव वे, इमेजिनेटिव वे. जो लोग इसमें काम करते हैं इन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में, वो क्या है, आर्टिस्ट है, राइटर्स है, म्यूजिशियंस है, डिजाइनर्स है, एंड मैनी मोर. सो दीज इंडस्ट्रीज आर नॉट ओनली अबाउट मेकिंग वंडरफुल थिंग्स, दे आर ऑल्सो अबाउट हेल्पिंग द इकोनमी, मेकिंग आर लाइव मोर इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल. सो दे प्ले अ वेरी बिग रोल इन द कल्चर इकोनमी, दे आर ऑल्सो नोन एज कल्चरल इंडस्ट्रीज. क्रिएटिव इकोनॉमी वहां से नाम आता है. थोड़ा सा इसके सिग्निफिकेंस पे बात करते हैं, राइट? क्रिएटिव इंडस्ट्रीज गिव जॉब टू अ लॉट ऑफ पीपल. एक फिल्म बनती है, उसमें राइटर होता है, आर्टिस्ट किसी भी तरीके के, सिनेमेटोग्राफी के अंदर सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं, राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, और वही हीरोज होते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं, और उसके पीछे पूरी टीम होती है. लाइटिंग को देखने वाला कोई होता है, राइट? कोई डिजाइन करने वाला है, कोई सेट को डिजाइन करेगा, कोई कपड़े डिजाइन करेगा. सो इमेजिन दीज आर्ट म्यूजिशियन, कोई म्यूजिक कंपोज करेगा, कोई गाएगा उसको. सो दीज आर्टिस्ट, दीज म्यूजिशियंस, दीज फिल्म मेकर्स, डिजाइनर्स, दे आर ऑल वर्किंग, दे आर ऑल गेटिंग पेड फॉर व्हाट दे लव टू डू. सो क्रिएटिव इंडस्ट्री बहुत से लोगों को जॉब देती है, राइट? अब एक गाने के पीछे आप देखते हो एक मेन हीरो हीरोइन जो डांस करते हैं, और उसके पीछे पूरी जो टीम है, राइट? कोरियोग्राफर है. सो दीज क्रिएटिव बिजनेसेस हेल्प इंडियाज इकोनॉमी ग्रो, दे ब्रिंग इन अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू हाउ वेल्दी द कंट्री इज, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू 3.1% ऑफ ग्लोबल GDP एंड आर एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 8% ऑफ इंडियाज एम्प्लॉयमेंट. क्रिएटिव इंडस्ट्रीज आर मेन सोर्स ऑफ, सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कमर्शियल एंड कल्चरल वैल्यू इन इंडिया. इंडिया की क्रिएटिव इकोनॉमी अकाउंट्स फॉर ओवरऑल मार्केट साइज ऑफ $36.2 billion, राइट? सो कोविड एरा से पहले इंडियन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूटेड 2.5% टू इंडियाज GDP. इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में से एक है स्टिमुलेटिंग ग्लोबल ट्रेड इन क्रिएटिव गुड्स एंड सर्विसेज. वर्ल्ड्स 2022 के अंदर इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स. लास्ट मूवी कौन सी देखी है कमेंट में बताना, राइट? पीपल लव टू सी एक्सपीरियंस दीज क्रिएटिव थिंग्स. इंडिया की क्रिएटिव इंडस्ट्री अट्रैक्ट करती है विजिटर्स को भी फ्रॉम अदर प्लेसेस, तो टूरिज्म भी बूस्ट होता है, दे ब्रिंग मोर मनी इन द कंट्री. आप अपने क्रिएटिव प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, चाहे वो आपका आर्ट हो, आपकी म्यूजिक ही क्यों ना हो, इट्स लाइक शेयरिंग आर क्रिएटिविटी विद द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट, राइट? सो द ग्रोथ ऑफ दीज क्रिएटिव इंडस्ट्रीज मीन्स अ बेटर लाइफ फॉर द पीपल ऑल्सो, इट्स अ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल्सो, अ गुड एंड हैप्पी वे ऑफ लिविंग
फॉर आर्टिस्ट एंड अदर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन इट. अब क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के बेनिफिट क्या हैं? क्रिएटिव इंडस्ट्रीज कैन हेल्प विद जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, टूरिज्म, एक्सपोर्ट, सोसाइटल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट? तो बेनिफिट क्या है? जॉब क्रिएशन होता है, इनकम जनरेशन होता है, द वर्क दैट दे आर प्रोवाइडिंग टू द डिजाइनर्स, टू द म्यूजिशियंस, स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑन द वाइडर इकोनॉमी. सो क्रिएटिव इंडस्ट्री डोंट जस्ट बेनिफिट देमसेल्फ, दे ऑल्सो हेल्प अदर पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट? तो दे ब्रिंग इन न्यू आइडियाज विच हेल्प्स इन एडुकेशन, टूरिज्म, सिटीज किस तरीके से डेवलप होंगी, सब कुछ. टूरिज्म भी बूस्ट हो गया, एडुकेशन स्किल डेवलपमेंट भी हो गई. वेन पीपल क्रिएट अमेजिंग थिंग्स तो विजिटर भी आता है देखने के लिए, होटल्स में रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फूड होगा, तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, टूरिज्म भी ग्रो करेगा, अर्बन डेवलपमेंट होगी, राइट? अगर आप एक एडुकेशनल मूवी देखते हो, एक ऐसा मैसेज जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है, राइट? तो ये लर्निंग और स्किलिंग होगी. प्रमोटिंग इंडियाज हेरिटेज एंड रिसोर्सेज, ग्लोबल ब्रांडिंग, सॉफ्ट पावर में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, दिस इज द बेनिफिट. अर्बन डेवलपमेंट ये सब मैंने बताई थी, मेकिंग सिटीज, मतलब थिएटर्स हो गए, गैलरीज हो गई, राइट? तो दिस इज द सिनेरियो. लेकिन चैलेंजेस भी हैं. समटाइम्स गवर्नमेंट डजंट पे एनफ अटेंशन टू क्रिएटिव इंडस्ट्रीज. इट्स लाइक बीइंग इन द बैक सीट इंस्टेड ऑफ द फ्रंट व्हेन डिसीजंस आर मेड. सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दे डोंट टॉक टू ईच अदर मच अबाउट दिस. सो दैट इज द प्रॉब्लम, अ चैलेंज. सो मतलब अगर आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज भी हैं. समटाइम्स फॉर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज इट माइट हैपन दैट दे डोंट हैव दैट राइट रोड, मतलब अ बैड पाथ फॉर अ बाइक, गुड इंटरनेट नहीं होगा, बेसिक थिंग्स दे जो भी उनको चाहिए, बेसिक थिंग्स दैट दे नीड टू वर्क प्रॉपरली विद, वो नहीं होता है. इट मे बी डेटा डेफिशिएंसी, sometimes there is not enough clear information about how big or important creative industries are. We need to know this to make things better for them and plan the right moves. Money trouble, funding obviously. Paisa har jagah chahiye, right? Aap kitna paisa allocate kar rahe ho, kitna invest kar rahe ho. Intellectual property vulnerability, कुछ नया ला रहे हो ना, कुछ ओरिजिनल आइडिया ला रहे हो, कभी कभार लोग आपके म्यूजिक को चुरा ले. सो पीपल समटाइम्स स्टील देयर आइडियाज, दे प्रिटेंड दे मेड देम, राइट? सो आईपीआर, सो देयर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दीज आइडियाज, राइट? नाउ व्हाट शुड बी डन टू प्रमोट, ये तो हो गए चैलेंजेस. अब क्या करना चाहिए क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए? यूनिक, इंडिया का यूनिक कल्चर है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए. हमारे पास कितनी स्टोरीज है, कितना म्यूजिक है, कितना आर्ट है, कितना कल्चर है, कितनी अमेजिंग थिंग्स हम लेकर आ सकते हैं. जस्ट अब इट्स जस्ट लाइक मिक्सिंग डिफरेंट फ्लेवर्स टू मेक अ स्पेशल डिश, वी कैन मिक्स आवर ट्रेडिशंस ऑल्सो, राइट? यूजिंग फैंसी टेक्नोलॉजी, वी कैन यूज ऑसम डिजिटल tools like animation, special effects to make our creation more exciting and interesting. Teamwork, artists, thinkers, others, they can join together, share their ideas, create something that is even more awesome, right? So these are the things. I hope अब आपको क्रिएटिव इकोनॉमी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा. इन केस अगर यहां से मेन्स में कोई भी सवाल आता है, सो यू कैन टेक इट वेरी इजिली, राइट? सो ऑल इन ऑल, अगर मैं इस पूरे आर्टिकल को सम अप करूं, टू हेल्प क्रिएटिव इंडस्ट्रीज वी शुड मिक्स आर कल्चर, यूज कूल डिजिटल टूल्स, वर्क टूगेदर लाइक अ टीम, फिक्स एनी प्रॉब्लम दैट माइट कम आर वे, राइट? दैट वे वी कैन मेक रियली अमेजिंग एंड स्पेशल थिंग्स दैट एवरी वन विल लव. ऐसी मूवी जो आपको भी अच्छी लगेगी. इट्स नॉट जस्ट ऑल अबाउट मूवीज, वैसे आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल आउट ऑफ इट, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो जाए. अगला मुकुर्ति नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं. तमिलनाडु में आप देख रहे होंगे, बिल्कुल बॉर्डर पे लगता है, राइट? अब
पाक न्यूज में आ गए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो इट्स लाइक अ नेचुरल एरिया, यहाँ देखो नीलगिरी इज में लोकेटेड है। सो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंडक्टेड ऑपरेशन इन दिस नेशनल पार्क एंड फॉरेस्ट एरियाज, इंश्योरिंग दैट देर इज नो इलीगल मूवमेंट ऑफ पीपल एंड पोचर्स। इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ नीलगिरीज प्लेटू इन द नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ तमिलनाडु। द पार्क वॉज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट इट्स की स्टोन स्पीशीज नीलगिरी थार, वेरी इंपॉर्टेंट। पाइकरा एंड कुंदर रिवर फ्लो थ्रू द पार्क अलॉन्ग विद सेवरल पेरिनियल स्ट्रीम्स दैट ओरिजिनेट इन द पार्क एंड ड्रेन इन द भवानीपुर। इट इज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। रिसेंटली आई हैड चांस टू विजिट पाइकरा फॉल्स। मतलब बहुत चीज़ें हैं इन वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में घूमने को। जब आप पढ़ोगे ना फिर ये कनेक्ट कर पाते हो। माउंटेन ग्रासलैंड्स शोलास दे आर देयर एंड वेरियस अदर स्पीशीज यू कैन सी है, रोडोडेंड्रोन्स, रास्बेरीज, राइट, सिनेमन, और इधर एनिमल्स लाइक नीलगिरी थार, इंडियन एलिफेंट, नीलगिरी लंगूर, बंगाल टाइगर। सो दीज ऑल अदर स्पीशीज दैट यू विल फाइंड। द पार्क इज होम टू सम ऑफ दीज एंडेंजर्ड वाइल्ड स्पीशीज। अब ये एक और स्पीशीज की बात आ गई है तो इनकी भी बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है वो भी बताती हूँ। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द साइंटिस्ट ऑफ ZSI हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ अ वाइब्रेंट ऑरेंज कलर्ड डीप वाटर मेराइन फिश फ्रॉम दीघा मुहाना इन वेस्ट बंगाल। तो इनकी जब हम बात कर रहे हैं सो दिस न्यू स्पीशीज इज कॉमनली नोन एज गर्नर्ड्स और सी रोबिन्स, बिलोंग टू द फैमिली दैट इज कॉल्ड ट्रिग्लिडे। फिश इज नेम्ड, ये इसका साइंटिफिक नेम है, पैट्रिगो ट्रिग्ला इंटरमेडिका। इट हैज करेक्टर्स क्वाइट सिमिलर टू द स्पीशीज लाइक पैट्रिगो ट्रिग्ला हेमिस्टिकस, राइट। तो ये कुछ नाम है आप ध्यान में रख सकते हो। रही बात इसके करेक्टरिस्टिक्स की तो वो थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, राइट। बहुत ही कलरफुल वाइब्रेंट ऑरेंज कलर की फिश है। दिस न्यू फिश हैज सम स्पेशल फीचर्स दैट मेक इट डिफरेंस। इट्स साइड फिन्स हैव अ कूल ब्लैक कलर इन साइड इट एंड इट्स टेल फिन हैज वाइट एजेस, स्मॉल वाइट स्पॉट्स। आप थोड़ा सा पिक्चर में देखो। राइट, सो दीज आर लाइक यूनिक मार्क्स दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि अच्छा दिस न्यू फिश इज देयर, राइट। सो यहां पर थोड़ा सा और इसकी डिस्कवरी की बात करें। फाइंडिंग दिस न्यू फिश इज लाइक डिस्कवरिंग अ न्यू टाइप ऑफ बर्ड और अ डिफरेंट ब्रीड। इट्स स्पेशल बिकॉज इट्स फोर्थ काइंड ऑफ दिस पर्टिकुलर फिश फैमिली दैट इज फाउंड इन इंडिया। सो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन यूनिक ग्रुप ऑफ फिश सी क्रिएचर्स। तो डिस्कवरिंग दैम एंड लर्निंग अबाउट दीज अंडर वाटर क्रिएचर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट कि कितना और डाइवर्सिफिकेशन है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है। Fourth species of this genus. It is contributing to the growing knowledge of the marine ecosystem. Right? Clear? As far as Zoological Survey of India is concerned, it is a subordinate organization. कौन सी ministry के अंदर? Environment and Forest. कब establish हुई? 1916 के अंदर. It is a national center for फिनिस्टिक सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे आप एडवांस नॉलेज और लेके जाना चाहते हो। तो बेसिकली जॉब इज टू एक्सप्लोर, टू स्टडी ऑल द एनिमल्स वी हैव इन इंडिया। मेन ऑफिस कहाँ है? कोलकाता के अंदर। एंड देर हैव अदर स्टेशन, रीजनल 16 रीजनल स्टेशन दैट आर लोकेटेड इन डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ द कंट्री। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो डिस्कस करते हैं फिर एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में। मैंने आपको कहा भी था कि यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। अच्छा, मैं ये एलिफेंट कॉरिडोर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एलिफेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे। इंडियन एलिफेंट, दीज आर अगेन की स्टोन स्पीशीज। अभी की स्टोन स्पीशीज क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, आज थोड़ा खुद सर्च करो। सो इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स, राइट। यहाँ पर अगर आप देखो तो एलिफेंट पॉपुलेशन इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड टू बी 30,000। ये मैं कुछ बातें आपके साथ बता रही हूँ। हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन कहाँ है? कर्नाटका में। यूपीएससी पूछ चुकी है ये सारे सवाल, राइट।
साइट्स में अपेंडिक्स वन में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल वन में, और एक देखो एशियन एलिफेंट है राइट, फिर उसके बाद अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है और अफ्रीकन सवाना एलिफेंट है. जब मैं एशियन एलिफेंट की बात करती हूँ तो वो एंडेंजर्ड है और बाकी अफ्रीकन फॉरेस्ट वाला क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और सवाना एंडेंजर्ड है. दो एंडेंजर्ड, एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड. तो इंडिया के अंदर, इंडिया इज होम टू लार्जेस्ट वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स. ठीक है, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड 62 न्यू एलिफेंट कॉरिडोर्स. टोटल नंबर ऑफ सच कॉरिडोर्स अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इट इज 150. तो एक रिमार्केबल इंक्रीज हुआ है, 2010 में 88 थे. अभी व्हेन आई वाज सेइंग पाइकरा फॉल्स की जब मैं बात कर रही थी तो इट्स नियर टू नीलगिरीज, ओनली ऊटी के पास पड़ता है. तो ये पूरा एरिया, मतलब अभी की बात नहीं है, लाइक फ्यू मंथ्स बैक आई एक्सप्लोर्ड वायनाड, मैसूर, दैट एरिया. तो मतलब आप वो एक्चुअल में जब आप देखते हो एलिफेंट कॉरिडोर्स राइट, इधर एक टाइगर रिजर्व और एक नेशनल पार्क, इधर एक नेशनल पार्क, और ये रोड से जब मतलब आपको अपनी कार लिटरली ऐसे स्टॉप करनी पड़ती है और वो लिखा होता है पूरा एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है, प्लीज बी केयरफुल, एंड यू एक्चुअली सी एलिफेंट क्रॉसिंग, यू सी अदर एनिमल्स क्रॉसिंग, डियर्स क्रॉसिंग. तो ये जो आप पढ़ते हैं ना, जब आप इसको लाइव देखते हो, अलग एक्सपीरियंस होता है. सो एलिफेंट कॉरिडोर्स कैन बी डिस्क्राइब एज अ स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट एनेबल्स द एलिफेंट मूवमेंट बिटवीन टू और मोर फ्रेंडली हैबिटेट्स. सो कॉरिडोर्स जैसे व्हेन आई वाज विजिटिंग तो मधुमलाई आया एंड बांदीपुर आया. सो वो जो एरिया है बहुत ही ब्यूटीफुल है और वाइल्ड एलिफेंट्स वर क्रॉसिंग, एनिमल्स वर क्रॉसिंग. तो यहाँ सवाल यही आता है कि हाउ यू कैन क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दिस, जो हम पढ़ते रहते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट. तो ये एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट या एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी ऐसा. सो ये सारी चीज़ें, जैसे हम इको ब्रिजेस क्रिएट कर सकते हैं, बट अदर थिंग्स यू कैन कम विद. सो कॉरिडोर्स वर रिपोर्टेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड स्टेट वाइज अगर मैं देखूँ, वेस्ट बंगाल लीड्स विद 26 कॉरिडोर्स. इंडिया, ईस्ट सेंट्रल इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट 35%, मतलब 52 कॉरिडोर्स. आप साउथ में आ जाओ तो सदर्न इंडिया हैज 21% एंड नॉर्दर्न इंडिया हैज लोएस्ट विद 12%. एलिफेंट कॉरिडोर्स स्टेटस ऑफ द कॉरिडोर यूज, ये बताया गया है. एलिफेंट कॉरिडोर रिपोर्ट रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शॉट 40% इंक्रीज हुआ है एलिफेंट कॉरिडोर्स के अंदर राइट. सो कॉरिडोर्स का इंक्रीज होना, बेसिकली मोर कॉरिडोर्स मीन्स मोर रूम फॉर द एलिफेंट्स राइट. सो दिस रिपोर्ट दैट द नंबर ऑफ दीज पाथ्स हैव इंक्रीज बाय 40% इन 15 स्टेट्स वेयर एलिफेंट लिव इन इंडिया राइट. सो रीजन फॉर इंक्रीजिंग इन कॉरिडोर्स, so elephants are exploring the new areas, it's like they are going on a little adventure to their new neighborhoods. So more elephants are now being spotted in places like Vidarbha in Maharashtra, areas near Karnataka, जैसे मैं भी आपको बताई रही थी. तो so as to accommodate this, we need more corridors in those regions. More elephants have been seen in MP, parts of Andhra Pradesh, so we are creating more paths also for them to move around comfortably. That is the scenario. Clear है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में. आज के सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे होंगे. सो ये जो एलिफेंट्स के कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में नंबर वो पूछे जा सकता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में देखें नास्क, वर्ड एलिफेंट डे कब होता है कॉमेंट सेक्शन में बताना मुझे, और मेन्स के लिए इन एलिफेंट कॉरिडोर्स का सिग्निफिकेंस, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन, वहां पर डेफिनेटली दे कैन आस्क यू. जैसे इंडिया में कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाओ तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, गज यात्रा, वर्ल्ड वाइड वी हैव मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम, माइक प्रोग्राम बोलते हैं, वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है. सो दीज ऑल आर थिंग्स राइट, जो आपके मीन्स के लिए आपको काम आ सकती है. तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, विल मीट यू टूमोरो विद अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स. एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. एंड जो मैंने होमवर्क दिया है, अच्छा हाँ, होमवर्क से याद आया, तमिलनाडु के जो भी नेशनल पार्क्स हैं, हमने आज अभी देखा है ना मुकुर्ति,
तो ये आपको मुकुर्ती मैप में लोकेट करना है, इसके ऊपर इसके नीचे अगल आगे पीछे जो भी और हैं, जैसे इधर केरला कर्नाटका में पड़ते हैं, जो आसपास है वो देखने हैं। जैसे ही मैप एटलस खोलोगे वो दिख जाएगा खुद से। तो तमिलनाडु में जो है वो सारे कवर करने हैं, मैप में लोकेट करने हैं, और इसके आसपास जो पड़ते हैं वो भी देखने हैं। ठीक है, कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लास्ट में दिक्कत नहीं होगी, साथ साथ चीज़ों को कवर करते रहो, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे, ट्रस्ट मी। सो फिर मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। टिल देन टेक केयर एवरी वन, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ।